शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के जो सभी लोग हैं, जगता बाबू हैं, आदरणीय लालू जी हैं, यहाँ नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी जी हैं, सब लोगों ने और सब लोगों ने सहमति दिया, तब ज्वाइनिंग की तिथि जो है 29 तारीख को तय हुई। बिहार महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी में चुनाव से पहले ही घमासान छिड़ गया है। एलजेपी के पूर्व सांसद रमा सिंह 29 अगस्त को आरजेडी में शामिल होंगे, जिसके कारण आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के करीबी और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज चल रहे हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी से इस्तीफा भी दे सकते हैं। साथ ही पूर्व सांसद रमा सिंह ने बिहार तक के संवाददाता से खास बातचीत करते हुए सुनिए क्या कहा। एक बात मैं पहले भी कहा हूँ और फिर पुनः कह रहा हूँ कि कोई पार्टी जो है सबसे बड़ी होती है और पार्टी किसी का कोई जागीर नहीं होता है। और हमने राष्ट्रीय जनता दल में जाने का सोचा, विचार किया और विचार करने के बाद जो है हमने अर्जी लगाई कि भाई हम राष्ट्रीय जनता दल के विचारधाराओं से सहमत हैं और हम आना चाहते हैं और हमको सहमति मिली। अब कौन लोग कैसे विरोध कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मैं रहूंगा नहीं रहूंगा, और तेज प्रताप जी ने कहा है, कल तेज प्रताप जी ने कहा है कि भाई पार्टी जो है बड़ी होती है और लोग तो इसी तरह आते रहते हैं, जाते रहते हैं। मेरे जैसे बहुत पहले भी बहुत सारे लोग इस पार्टी में आए और बहुत सारे लोग गए भी हैं, तो अब कौन क्या कहता है हमको उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। हमने सोचा है, हम राष्ट्रीय जनता दल के विचारधारा से सहमत है और हमने अपनी सहमति दी है। और शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के जो सभी लोग हैं, जगता बाबू हैं, आदरणीय लालू जी हैं, यहाँ नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी जी हैं, सब लोगों ने सहमति दिया, तब ज्वाइनिंग की तिथि जो है 29 तारीख को तय हुई थी। उसके बाद अब विरोध कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं, इस पर तो हम कुछ नहीं बता, तो उनकी मर्जी है, जैसा भी अपना करें, हमको कुछ नहीं कहना है। और जैसा हमको आगे राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व का निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से। वहीं इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी रघुवंश सिंह पर कटाक्ष किया था। कौन नाराज चल रहा, कौन नहीं नाराज चल रहा, वो सिचुएशन हमारे लिए नहीं है। हमारा सिचुएशन है कि हमारा बिहार क्या है, हमारा बिहार किस सिचुएशन से गुजर रहा है, हमारा ये मेन मकसद है। पार्टी है, पार्टी समुंदर होता है, एक लोटा जल निकाल करके बाहर कर देगा तो पानी खत्म नहीं होता है। इसीलिए पार्टी में लोग है, संगठन में नाराज चलते हैं, लेकिन सब मान भी जाते हैं, तो ये एक तरीके का परिवार है, परिवार में नाराजगी चलते रहती है, इस पे कोई मायने नहीं है। मायने है हमारा कि बिहार किस स्थिति में है और नीतीश कुमार जी आखिर क्यों सोए हुए हैं, आखिर क्यों नहीं उनकी नींद टूटती है, क्यों नहीं जनता को देखने के लिए जाते हैं। अब आरजेडी के झगड़े में जेडीयू भी कूद गई है। जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा है कि रघुवंश बाबू अगर जेडीयू ज्वाइन करते हैं तो उनका स्वागत है। वरिष्ठ राजनेता श्री रघुवंश प्रसाद सिंह को अनेक अवसरों पर तेजस्वी यादव ने उपेक्षा की दृष्टि से देखा, उन्हें अपमानित करने की कोशिश की। पिछले दो दिन पहले उन्होंने एक मुलाकात के जरिए एक खानापूरी करने की कोशिश की है, लेकिन रघुवंश साहब जिस तरह से आहत हैं, मर्माहत हैं और खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, स्पष्ट है कि राष्ट्रीय जनता दल का वातावरण उन्हें रास नहीं आ रहा है और बहुत जल्द हो सकता है कि वो दल से अलग होने की घोषणा करें। निसंदेह रघुवंश साहू जैसे कद के नेता अगर जनता दल यूनाइटेड की तरफ आना चाहेंगे तो निसंदेह पार्टी को प्रसन्नता होगी। वहीं रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने की तमाम कोशिशें अब फेल नजर आ रही हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह को मनाने के लिए रविवार को दिल्ली पहुंचने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी उनसे मुलाकात की थी और अपना इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध किया था, मगर इसके बावजूद भी रघुवंश सिंह नहीं माने। वहीं राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि आने वाले दिनों में रघुवंश प्रसाद सिंह जेडीयू का दामन थाम सकते हैं। बहरहाल महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन आरजेडी पार्टी में क्या होगा ये तो रघुवंश प्रसाद सिंह ही बता सकते हैं। बिहार तक के लिए रोहित सिंह।